हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं दीपंकर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल पैराट दीपंकर। और मैं दीपंकर करता हूं आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पैराट दीपंकर में बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं बार्ड ब्रीडिंग फार्मूला के कुछ टिप्स आप लोगों से शेयर करूँगा। बार्ड्स ब्रीडिंग फार्मूला के टिप्स मतलब ब्रीडिंग सीजन में बार्ड्स को क्या फ्रूट्स, क्या विटामिन, क्या कैल्शियम देने से आपका बार्ड्स बहुत जल्दी ब्रीड करेगा, बहुत अच्छे तरीके से ब्रीड करेगा और जो अंडा ले करेगा वो सही तरीके से फर्टाइल होगा और अंडा से जो चिक्स हैच होगा वो बहुत ही अच्छा हेल्दी और स्वस्थ निकलेगा। तो मेरा जो छोटा सा बार्ड ब्रीडिंग फार्म है उस फार्म में जितना सारा पैरट्स है उन लोगों का ब्रीडिंग का टाइम मैं जो सीड्स उन लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, जो कैल्शियम प्रोवाइड करता हूँ और जो मेडिसिन वगैरह यूज़ करता हूँ उन लोगों के लिए, और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिला है हमको वो सारा चीज़ उन लोगों को प्रोवाइड करने के बाद। जो ब्रीड हमको मिल रहा है बहुत सही तरीके से, वो अंडा भी फर्टाइल होता है और जो चिक्स निकलता है वो बहुत ही स्वस्थ और हेल्दी निकलते हैं। तो उसी का एक वीडियो मैं आज मतलब बनाने आया। एक्चुअली मेरा जो मैं जो सीड्स प्रोवाइड करता था वो सीड्स ख़त्म हो गया था, मिक्स सीड्स, और वो फिर से मैं आज बनाने वाला हूँ। तो सोचा कि एक वीडियो बना के उसका एक वीडियो आप लोगों से भी शेयर कर लूँ। यहाँ एक छोटा सा बात मैं कह देना चाहूँगा कि ब्रीडिंग सीजन में मैं जो यूज़ करता हूँ स्पेशली इवियन, इवियन एक विटामिन ई का कैप्सूल होता है, वो आपको मतलब किसी भी ह्यूमन मेडिसिन का दुकान में आपको आसानी से मिल जाएगा। और ये दिखाएंगे कि आप मतलब वो विटामिन ई इवियन कैप्सूल का सही तरीके से आप कैसे यूज़ करेंगे आपका बार्ड्स या पैरट्स को प्रोवाइड करने के लिए। और उसके साथ मैं जो करता हूँ कैल्शियम, कैल्शियम तो सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में ही नहीं, पूरा साल भर मैं उन लोगों को बहुत सही तरीके से वो कैल्शियम प्रोवाइड करता रहता हूँ। क्योंकि देखिए ये बार्ड्स या और पैरट्स इन सब के लिए कैल्शियम बहुत ही एसेंशियल होता है, कैल्शियम आपको प्रोवाइड उन लोगों को करना ही पड़ता है। क्योंकि जंगल में जब ये सारा बार्ड्स और पैरट्स रहते हैं तो इन लोगों का जितना चाहिए होता उसी हिसाब से जंगल में खाने के साथ वो लोग कैल्शियम कलेक्ट कर लेते थे। लेकिन अभी हम लोग इन लोगों को जब केज में रख रहे हैं तभी हम लोग मतलब जितना ही उन लोगों को प्रोवाइड करेंगे उन लोगों को तो उतना ही मिलेगा, उनसे ज़्यादा तो मतलब उन लोगों को नहीं मिलेगा। तो हमको बहुत ही ध्यान देना है पूरा साल भर कि सही तरीके से आप अपना बार्ड्स और पैरट्स को आप कैल्शियम प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, आप जो कैल्शियम उन लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं वो आसानी से बार्ड्स या पैरट्स उनका शरीर में एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। क्योंकि उसके लिए चाहिए होता है विटामिन डी, और जो मिलता है डायरेक्ट सनलाइट से। अगर आपका केज बाहर रखा हो मतलब आउटसाइड में रखे हो और वहाँ सनलाइट आसानी से उन बार्ड्स तक मतलब पहुंच जाता है तो आपको कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन जो सारा फ्रेंड्स उनका केज या एवरेज या फार्म इंडोर में बनाया हो कि आसानी से सनलाइट वहाँ तक नहीं पहुँचता है, तो मैं कहूँगा विटामिन डी मतलब जब आप कैल्शियम उन लोगों को दे रहा है उसके साथ विटामिन डी का भी आपको यूज़ करना है, उन लोगों को प्रोवाइड करना है। अगर कैल्शियम के साथ विटामिन डी का आप प्रोवाइड करेंगे उन लोगों को तो तब जाके वो सारा बार्ड्स या पैरट सही तरीके से वो जो कैल्शियम आप उन लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो वो सही तरीके से उनका शरीर में एब्जर्ब कर पाएंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है आपको। सिर्फ कैल्शियम आपको नहीं देना है, जब भी आप कैल्शियम दे रहे हो अगर आपका एवियरी आउटसाइड में है जहाँ सनलाइट आसानी से आता है मतलब वो सारा बार्ड सनलाइट मतलब आसानी से उन लोगों को मिल जाता है तो फिर सिर्फ कैल्शियम आप देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो एब्जर्ब हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है, सनलाइट नहीं पहुँच रहा है वहाँ, तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैल्शियम के साथ विटामिन डी का भी आपको उनके साथ उन लोगों को प्रोवाइड करना है, तभी जाके वो उनका शरीर में एब्जर्ब कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, वो सारा कैल्शियम उन बार्ड्स या पैरट्स का शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो पॉटी और मतलब टॉयलेट के साथ निकल जाएगा, यहाँ कहीं जाके जम जाएगा उसका शरीर का अंदर, वो मतलब किसी भी काम का नहीं, वो बार्ड्स या पैरट्स का कोई फ़ायदे में नहीं लगेगा। ठीक है, तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, चलिए देखते हैं मैं मेरा मिक्स सीड बनाने के लिए क्या क्या यूज़ करता हूँ और इवियन कैप्सूल का सही तरीके से कैसे यूज़ करता हूँ। फ्रेंड्स, ब्रीडिंग सीजन में मेरा बार्ड्स या पैरट्स के लिए मैं जो मिक्स सीड्स बनाता हूँ वो मतलब क्या क्या सीड दे के एक ही साथ मिला के मिक्स सीड बनाता हूँ वो सारा का सारा मैंने कलेक्ट कर लिया है। लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए ही थोड़ा थोड़ा करके मैं अलग अलग ट्रे में रखे है। एक्चुअली मैं मिक्स सीड का क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा एक ही साथ बना लेता हूँ क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारा पैरट्स है, तो फ़िलहाल
पहले दिखा देते हैं आप लोगों को। मैं जो मिक्स करता हूँ ये है ब्लैक सीड, ये है मोटा दाना कंगनी, ये है सनफ्लावर सीड स्ट्राइप वाला, ये है मूंगफली, ये रहा गेहूँ, ये रहा धान मतलब पैडी सीड चावल जिसे हम लोग कहते हैं। एक्चुअली मैं बंगाली हूँ तो बंगाली में हम लोग इसको धान कहते हैं, ठीक है। और ये रहा बाजरा और ये रहा कुसुम दाना। मैंने इसके बारे में पहले भी आप लोगों को बताया था कि कुसुम दाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है पैरट्स या बार्ड्स के लिए, क्योंकि ये काम कर जाता है कुदरती एंटीबायोटिक की तरह। और आगे ये रहा माइलो कुसुम दाना, गेहूँ, पैडी मतलब धान चावल और बाजरा, सनफ्लावर सीड, मूंगफली, मोटा दाना कंगनी और ये रहा ब्लैक सीड। आपको बहुत ही ध्यान रखना है, ये जो ब्लैक सीड है ये बहुत ही गर्म होता है, बहुत ही हीट होता है, इसलिए सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में ही ब्रीडिंग का टाइम में ही सिर्फ आपको ये यूज़ करना है, पूरा साल के लिए इसको यूज़ करना ठीक नहीं रहता है। मतलब मैं नहीं करता हूँ, मैं ठीक नहीं समझता हूँ, इसलिए सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में ही मैं इनको सीड्स के साथ मिलाता हूँ। मोटा दाना कंगनी मार्केट से ये आप खरीद लीजिएगा, ठीक है। अगर आप मिक्स कोई ब्रांडेड पेट शॉप से मिक्स सीड्स परचेस कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर मेरे जैसा ऐसे अलग अलग करके सारा सीड्स को आप परचेस करके अगर मिक्स सीड्स बनाएंगे तो तभी मैं कहूँगा मिक्स सीड्स बनाने के पहले आपको जो करना है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो इन सब सीड्स को अच्छे तरीके से आपको फ्रेश पानी से धो लेना है, उसी के बाद ही आप मिक्स सीड्स बनाएंगे, क्योंकि ये सारा सीड्स डायरेक्टली खेती से आता है और वहाँ बहुत सारा कीटनाशक का भी प्रयोग रहता है इन पर मतलब इसका ऊपर, और बहुत सारा बैक्टीरिया फंगस भी रह सकता है। और फ्रेंड्स ब्रीडिंग सीजन में ये सारा सीड्स को मतलब मिक्स सीड बनाने के साथ और भी मैं दो दवाई का मतलब इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि अच्छा ब्रीडिंग कर पाए वो लोग, और जो अंडा ले करे वो भी बहुत अच्छे तरीके से और जो अच्छे तरीके से फर्टाइल भी हो। इसलिए मैं जो यूज़ करता हूँ ये दोनों, ये है इवियन, ये एक्चुअली एक विटामिन ई का कैप्सूल है इवियन 400। तो देखिए विटामिन ई कैप्सूल USP 400 mg, इसको भी आपको परचेस कर लेना है। ये ब्रीडिंग सीजन में बार्ड्स या पैरट्स के ऊपर बहुत ही अच्छा काम करता है ये, और ये इसको आपको देना है, इसको मतलब मैं देता हूँ, देने से हमको बहुत ही अच्छे तरीके से रिजल्ट भी मिलता है। और उसी के साथ हम मिलाते हैं ये सी कॉड मतलब कॉड लिवर ऑयल जैसा कुछ है, इसका नेम है सी कॉड। तो मिक्स सीड जब बनाएंगे हम लोग उसी के साथ ये कैप्सूल भी एक या दो करके, जैसे आपका क्वांटिटी होगा उसी हिसाब से एक या दो करके मिक्स कर लेना है, ठीक है। तो पहले हम लोग ये सारा सीड्स को बहुत अच्छी तरीके से धो लेते हैं, उसके बाद ही मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे ये दवाई को इनके साथ मिक्स करना है, ठीक है। Thank you.
तो फ्रेंड्स अभी हम लोग को जो करना है, हम लोग अभी इस बाजरा को, ये जो बाजरा है, इस बाजरे को पहले हम लोग तो मतलब धो लिया पानी से, और उसके बाद बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सूखा भी लिया है। अभी हम लोग को जो करना है, मैं दिखाता हूँ। पहले हम लोग ये जो बाजरा है इनको थोड़ा मतलब हीट कर लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग ये सारा जो बाजरा है मतलब इसको सही तरीके से हीट कर लिया। अभी हम लोग ये इवियन कैप्सूल और ये सी कॉड मतलब कॉड लीवर ऑयल को जो कैप्सूल है ये मतलब इस बाजरे के साथ मिक्स कर देंगे। किसी और सीड्स के साथ मिक्स करने के मतलब मिक्स सीड्स बनाने से पहले आपको ये कर लेना है, इसलिए कि ये जो बाजरा होता है इसका ऊपर कोई मतलब ये डायरेक्ट सीड्स ही होता है, वो बार्ड्स या पैरट्स मतलब डायरेक्टली इसको खाते हैं, तो इसलिए इसका ऊपर कोई खोल नहीं रहता है। तो इसलिए मतलब बाजरा के साथ मिक्स करने से ये जो कैप्सूल हम लोग मतलब मिलाएंगे, ये जो दवाइयाँ मिलाएंगे इसके साथ, वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करेगा, मतलब वो सारा पैरट्स खाएगा, ठीक है, उनका शरीर में मतलब आसानी से चला जाएगा ये सारा मेडिसिन्स। और यहाँ और एक बात मैं थोड़ा आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि अगर आप 5 kg मिक्स सीड्स बना रहे हो 5 kg तक, तो आपको यहाँ एक इवियन कैप्सूल और एक सी कॉड आपको मतलब देना है। अगर 5 kg से ज़्यादा होगा, 8 kg, 10 kg, 9 kg कुछ भी हो, तभी आपको ये दो दो करके मिक्स करना है, ये दो और ये दो, मतलब इवियन कैप्सूल दो और सी कॉड दो, ठीक है। तो फिलहाल अभी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कम ही 5 kg का एक ये मिक्स सीड बना रहा हूँ। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे बाजरा के साथ वो मिक्स हो चुका है वो दोनों कैप्सूल, ठीक है। बाजरा के साथ हम लोग इवियन कैप्सूल और सी कॉड अभी मिक्स कर लिया है, तो अभी हम लोग मिक्स सीड बनाएंगे। तो हम लोग ले लेंगे ये बाजरा, आपको लेना है 2 kg बाजरा। अभी थोड़ा कम है, मैं ये वीडियो बनाने के लिए ऐसे ही मतलब दिखाने के लिए ऐसे ही कर रहा हूँ अप्रोक्स। देखिए इसका एग्जैक्ट आपको 2 kg देना है, ये 1 kg देना है, ऐसा कोई बात नहीं है, थोड़ा मतलब इसी हिसाब से आप मिक्स कीजिएगा तो इस तरीके से बन जाएगा।
थोड़ा 100-150 ग्राम अगर ज़्यादा कम होगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले यहाँ डाल दिया बाजरे को, और बाजरे के साथ अगर आप 5 किलो का मिक्स सीड बना रहे हो तो 2 केजी या उससे थोड़ा कम, मतलब 1 केजी 800 या 1 केजी 600 ग्राम ऐसा कुछ, मतलब बाजरा के साथ आपको ओइवियन कैप्सूल मिक्स कर लेना है, उसी के साथ 1 केजी सनफ्लावर सीड, उसी के साथ 1 केजी सनफ्लावर सीड आपको मतलब मिक्स कर लेना है, ठीक है। और उसके साथ हम लोग देंगे 500 ग्राम गेहूँ, ठीक है, एक गेहूँ 500 ग्राम, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा है, मतलब ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, इसी हिसाब से आप कीजिएगा। और उसके साथ 500 ग्राम आपको ये जो ये है कुसुम दाना, ये 500 ग्राम आपको दे देना है। और उसी के साथ वो जो धान होता है ये आपको थोड़ा कम देना है, धान ज़्यादा नहीं देना है, धान को कम 200 से 250 ग्राम आप धान दीजिएगा इसका साथ। मैं जैसे बनाता हूँ वही आप लोगों को बना रहा हूँ, बार बार मैं यही कह रहा हूँ। और उसके साथ ये जो मोटा दाना कंगनी होता है इसको आप 350 से 400 ग्राम तक दे दीजिएगा। और उसके साथ ये आया माइलो, माइलो भी 350 से 400 ग्राम तक आपको देना है, ठीक है। और अभी हम लोग ये सारा को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और अभी आया ब्लैक सीड, ब्लैक सीड मैंने पहले भी बताया कि ये बहुत ही हीट होता है, सिर्फ ब्रीडिंग के सीजन में ही आप इनका यूज़ कीजिए, मैं जो करता हूँ वही बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ब्रीडिंग सीजन के टाइम ही इसको इसका यूज़ करता हूँ। और ये ज़्यादा नहीं देना है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 150 ग्राम आपको मिक्स करना है ये सारे सीड्स के साथ, 100 से 150 ग्राम, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और उसके बाद इसको कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से मिक्स। देखिए अगर 5 किलो सीड्स आप या 6 किलो 7 किलो कुछ भी सीड्स बना रहे तो ऐसा कोई बात नहीं कि एग्जैक्ट वही, मतलब 2 किलो तो 2 किलो और 1 केजी तो 1 केजी, 600 ग्राम तो 600 ग्राम, ऐसा कोई बात नहीं। आप थोड़ा 20-50 ग्राम ज़्यादा कम होगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है ईवियन कैप्सूल और जो कॉडलीवर ऑयल आप दे रहे हैं उसी के हिसाब से, अगर आप एक कैप्सूल दे रहे हैं तो उसके लिए 4.5-5 किलो तक जो सीड्स आप बनाएंगे उसके लिए सही है। अगर 10 केजी का सीड्स मिक्स सीड्स आप बना रहे हो और एक ही ईवियन कैप्सूल आप यूज़ कर रहे हो और एक ही सी कॉड यूज़ कर रहे हो तो तभी मतलब वो ठीक से काम नहीं करेगा। और एंड में हम लोग क्या करेंगे, ये जो मोफोली होता है ये एक्चुअली मिक्स सीड्स के साथ कोई इसका ताल्लुक नहीं है, ये अलग सा है, फिर भी इसका जो वजन है ये इसको हम लोग नहीं पकड़ेंगे, ठीक है, इसको अलग से ही हम दे। और इसको बहुत ही कम समझिए कि आपका पास एक पेयर सनकॉर्नियर है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 4 सीड्स का आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये 4 आप उन लोगों को दे सकते हैं। अगर आपका पास ग्रे है तो मतलब 6 से 8 तक आप ये दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देना है क्योंकि ये इसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है, तो ये ज़्यादा देना सही नहीं रहेगा, आपका बाद से आप पैरेट्स का चर्बी आ जाएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो ये बहुत ही कम देना है आपको। तो फ्रेंड्स हम लोग देख लिया है, अभी हम लोगों का मिक्स सीड पूरा से तैयार हो गया है, तो बन गया है हम लोगों का ब्रीडिंग सीजन का सही तरीके से मिक्स फूड। और आप इसे प्रोवाइड करेंगे तो आपका बर्ड्स या पैरेट्स का ब्रीडिंग बहुत ही अच्छा मिलेगा आपको, जैसे हमको मिलता है। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप यूज़ करेंगे ये तो आपको भी बहुत अच्छे तरीके से ब्रीड मिलेगा। तो फ्रेंड्स बाय बाय फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।